हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी और तरबूज के छिलके से बनाएंगे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये आम के आम गुठलियों की दाम वो वाली बात है इस रेसिपी में। टूटी फ्रूटी बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर तरबूज का छिलका लिया है और हम तरबूज के छिलके से टूटी फ्रूटी बनाएंगे। और यहाँ पर चलिए हम छील लेते हैं बाकी के पार्ट। और ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है घर का टूटी फ्रूटी, एकदम ओरिजिनल और एकदम ताज़ी। और सीजन है तो बना कर रख ही देना चाहिए स्टोर करके। और देखिए, मैंने यहाँ पर छील लिया है और बीच से हम कट करेंगे। और आप छोटे छोटे टुकड़े कीजिए या बड़े बड़े, अपने हिसाब से कट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और जो बाकी बचा है पीसेस, उसे भी हम ऐसे ही छील के कट करेंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और ये थोड़ा बड़ा ही है और ये हम सुखाएंगे तो छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पर और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डालूँगी। और इसमें हम डाल देंगे जो पीस कट करके रखे हैं और इसे एक बार हम धो लेंगे अच्छे से। और यहाँ पर देखिए, मैंने धो लिया है, अब हम डाल देते हैं छान कर कढ़ाई के अंदर पानी में। और जितना पीसेस है उतना हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और इसे हम चलाकर इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। यहाँ पर 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं ढक्कन हटा के। और देखिए, इसका कितना बढ़िया कलर आया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 मिनट तक और पका लेते हैं, इसे अच्छा से ये पक जाएगा। और यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे यहाँ पर डायरेक्ट। और बहुत लोग अलग से चाशनी बनाकर डालते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही डाला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेस्ट वही आएगा और समय भी बहुत बच जाता है और बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। एक बार ट्राई मेरे तरीके से ज़रूर करें। और देखिए, यहाँ पर चाशनी ने पूरा चाशनी एब्जॉर्ब कर लिया है टूटी फूटी। और यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल सुखा दिया है और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं हल्दी डाली थी, इसे बहुत अच्छा कलर आ गया है। और गैस मैंने ऑफ करके नीचे उतार लिया है कढ़ाई को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कटोरी में डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 कटोरी लिया है, इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, अब इसमें हम फ्रूट कलर डालेंगे। और यहाँ पर ऑरेंज कलर डाला है, इसे मिला लेते हैं अच्छे से। और देखिए, मैंने मिला लिया है अच्छे से। और दूसरी कटोरी में ग्रीन कलर डालूँगी। और इसे भी मिला लेते हैं अच्छे से। और मैंने 3 कलर का चेरी बनाया है और आप देख सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा पानी है इसको मैं छान लूँगी। और यहाँ पर एक प्लेट में रख दूँगी। और देखिए, कितना बढ़िया लग रहा है ये टूटी फूटी। और चलिए, हम प्लेट में फैला देते हैं और 5-6 घंटों के लिए मैं रख दूँगी पंखे के नीचे। और उसके बाद आपको मैं दिखाऊँगी। और जब सूख जाएगा तो मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़े, एक पीस में 2 टुकड़े करूँगी और फिर ये बहुत मार्केट के जैसे लुक आने लग जाएगा इसमें। और चलिए, 5-6 घंटों के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। और मैंने यहाँ पर 5-6 घंटों के बाद, अब देख सकते हैं, मैंने छोटे छोटे टुकड़े और कर लिया था और बिल्कुल मार्केट के जैसे लग रहा है ये टूटी फूटी। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।